नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो कक्षा 7 में हमारी जो पहली प्रश्नावली चल रही थी पूर्णांक, वहाँ पे 1.3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली हम लोग 1.4 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4, तो 1.4 प्रश्नावली है, उसके हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 से। हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है उसका पहला सवाल, उसके अंदर पार्ट दे रखे हैं, यहाँ से ऐप तक दे रखा है, ऐसे जी एच तक। तो इसमें क्या करना है हम लोगों ने, देखो जोड़ सीखा, पूर्णांक संख्याओं का गठन सीखा है, और गुणा भी सिखाया मैंने आपको। तो आज हम क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे इनका। तो भाग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो -30 में किसका भाग दे रहे हैं, 10 का। तो हम लोग -30 में 10 का भाग दे रहे हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भाग है उसको ऐसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए है ना, ये माइनस का चिन्ह अकेला है यहाँ पे, तो माइनस के चिन्ह को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। और देखो 30 में 10 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, 10 दिया कितना होता है 30, तो 3 बार गया, तो इसका आ गया -3। इसी प्रकार इसको हल करना है, इसमें फ़र्क ये था, यहाँ पे ऊपर माइनस है ऊपर वाले, इसमें क्या है नीचे वाले माइनस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 50 में किसका भाग दे रहा हूँ, -5 का। तो यहाँ पे देखो मैं अकेला माइनस है, ऊपर माइनस प्लस है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या करेंगे माइनस को ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद 50 में 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 दाए कितना होता है 50 होता है, तो इसका आंसर आ गया -10। इसी प्रकार अब देखो दोनों तरफ माइनस आ गया आपकी बात, तो माइनस के 36 बटे -9। अब देखो ऊपर भी माइनस है और नीचे माइनस, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा, तो मैं इसको काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ। अब देखो 36 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार 9 चौक 36, तो इसका आंसर 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर माइनस का 49 और नीचे कितना है 49, 49 से 49 यानी 49 से 49 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। और यहाँ पे कि एक माइनस है, इस माइनस को ऐसे कैसे लगा दिया। यहाँ पे देखो भाग तो देना है, लेकिन संख्या क्या करना है, पहले जोड़ के लिखना है। तो पहले मैं 13 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, फिर भाग का निशान। अब देखो -2 में 1 जोड़ा, -2 में 1 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, -1। अब देखो मैं 13 में भाग दे रहा हूँ किसका, -1 का, तो कितनी बार जाएगा, -13 बार, क्योंकि 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे। यहाँ पे 0 में भाग देना है -12 का, 0 में -12 का क्या करना है, भाग देना है। अब देखो 0 में तो किसी भी संख्या का भाग दे लोगे, उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, और 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है, 0 प्लस में ही रहेगा। इसके बाद देखो ये, देखो ये माइनस का 31 है और ये भाग का निशान। अब देखो -30 और माइनस का, एक दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -31। अब देखो मैं भाग दे रहा हूँ -31 में, -31 का भाग देना है, तो माइनस से माइनस तो कट गया, और इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1। इसके बाद अपना जो एच नंबर है उसका देखते हैं, इसमें दो दो भाग के निशान दे रखे हैं, जो एच नंबर है उसके अंदर क्या दे रखा है, दो दो निशान दे रखे हैं भाग के। अब देखो सबसे पहले तो -36 में किसका भाग देना है, 12 का, -36 उसमें देना है 12 का भाग, और ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऐसे किसी, यानी इसको मैं केवल ऐसे लिखा हूँ ऊपर नीचे, और भाग क्या करना है, 3 करना है। सबसे पहले इसमें इसका भाग दे दो, 12 + 36, तो यहाँ पे क्या बचा, -3 बच गया, और फिर किसका भाग देना है, 3 का, तो ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लगा दिया, कैसे 12 का भाग दिया 36 में, 3 बार गया, और माइनस का माइनस, इसमें भाग दे रहे हैं हम 3 का। अब देखो -3 में 3 का भाग देंगे, तो -1, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे केवल 1 बचा माइनस का। अब देखो यहाँ पे पहले दोनों तरफ हल करना है, फिर अपने को भाग देना है। तो चलिए -6 में मैं 5 जोड़ता हूँ, -6 में 5 जोड़ा, तो यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि ये घट जाएगा, 5 में माइनस से घटेगा, तो कितना बचेगा, -1। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा, ये देखो अब यहाँ पे भाग का निशान है, -2 में 1 जोड़ा, तो क्या बचेगा, ये भी -1, और -1 में -1 का भाग देंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, और 1 में 1 का भाग 1 बार। तो इसी तरह आप लोग किसी भी संख्या में किसी का भी भाग दे सकते हैं, माइनस माइनस ऊपर नीचे हो तो दोनों कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यदि ऊपर या नीचे कोई भी एक बिंदु में माइनस का निशान हो तो संख्या माइनस की आती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर 2, हमें एक समीकरण दे रखी है, यानी एक समीकरण से दे रखा है, ए भाग बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं ये बराबर नहीं है। देखो इसके बारे में बता दूँ पहले थोड़ा, ये निशान आप बताइए, ये निशान किसका है, बराबर का है, और इस निशान को ऐसे एक तिरछी लाइन से काट दिया जाए, तो इसका मतलब
होता है बराबर नहीं है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए में बी प्लस सी का भाग देते हैं वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ए में बी का भाग दिया फिर उसमें क्या जोड़ा, ए में सी का भाग दिया, ये जोड़ना है। तो इसको देखो हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए की जगह देखो इसमें मैं मान रख रहा हूँ ए बी और सी का ये मान दिया, ये इस समीकरण में रखना है। तो मैं यहाँ से रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ए में किसका भाग देना है, ए का मान क्या है यहाँ पे 12, ए की जगह क्या रख लिया 12, फिर मैं ब्रेक लगाया, बी की जगह क्या दे रखा है माइनस का 4, बी सी की जगह क्या दे रखा है 2, तो ये दिख दिया 2, केवल ए बी सी की जगह मान रख दिया। ये निशान अपना है ना, तो उसको ऐसे कैसे रख लो आप, तो मतलब जो निशान लग रहा है उसको भी ऐसे कैसे लिख लो। उसके बाद देखो ए की जगह क्या दे रखा अपने पास 12, बी में ए में किसका भाग देना है बी का, तो भाग का निशान और बी किसका है माइनस का 4 है, ये मैं बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब देखो सी दे रखा है प्लस, ए कौन सा है 12 और भाग किसका देना है सी का यानी 2 का। अब देखो ये 12 है, इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इसके बाद माइनस 4 में 2 जोड़ा तो यहाँ बचा माइनस का 2 बराबर, और ये नोट इक्वल टू 12 में भाग दे रहे हैं किसका माइनस 4 का, यहाँ पे देखो मैं छोटा सा कर रहा हूँ, 12 में भाग दे रहे हैं माइनस का 4 का, तो देखो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और माइनस का निशान ऐसे कैसे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 3 प्लस, 12 में 2 का भाग देते हैं आपको पता है 6 बार जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो इस 12 में माइनस 2 का भाग दे रहा हूँ, 12 में किसका भाग दे रहा हूँ माइनस के 2 का, कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये माइनस का निशान ऐसे कैसे, यानी माइनस के 6 बार बराबर नॉट इक्वल टू माइनस का 3 और 6 को जोड़ेंगे, यानी 6 तो प्लस का है और माइनस 3 माइनस का है अपने को पता है, तो यहाँ पे क्या बचेंगे प्लस का 3। अब देखो क्या माइनस 6 और 3 बराबर है क्या, आपको पता है कि 3 तो प्लस का है और माइनस 6 माइनस का है, और वैसे भी संख्या में कितना फर्क है 3 है या 6, तो ये बराबर नहीं है, तो हमें यही सिद्ध करना था इन दोनों का मान क्या है अलग अलग, यानी इस पार्ट का मान क्या है अलग अलग। इसी प्रकार ए बी सी का मान इसमें रखना है, मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप लोग देखना ए की जगह क्या दे रखा है माइनस का 10 भाग का निशान, और बी प्लस सी यानी 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू, ए में किसका भाग दे रहे हैं माइनस का 10 और भाग दे रहे हैं ए में बी का 1 का, और प्लस का निशान फिर ए में माइनस का 10 उसमें भाग दे रहे हैं सी का यानी 1 का। अब देखो 1 और 1 कितने होते हैं 2 होते हैं, और 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार गया, और ये माइनस का तो माइनस का इज नॉट इक्वल टू, माइनस 10 में 1 का भाग दिया, माइनस 10 में 1 का भाग देने किसी भी संख्या में 1 का भाग देते तो कोई चेंज नहीं होता, वो संख्या वही आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 10 फिर प्लस का निशान। ये देखो माइनस 10 में फिर 1 का भाग दिया तो ये भी माइनस का 10। अब देखो ये माइनस 5 है इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, और माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 20 हो गया। ये देखो अब देखो क्या माइनस 5 और माइनस 20 बराबर है क्या, इसमें तो काफ़ी सारा अंतर है, वो संख्या कितनी छोटी है माइनस का 20 और माइनस 5 माइनस 20 है हमको पता है बड़ा है, माइनस में जो संख्या जितनी भी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, तो हमको ये सिद्ध करना था ये दोनों आपस में क्या दे रखा है, और माइनस प्लस का जो इसका आंसर आता है भाग देने पर जो दे रखा है, और इसमें यह बोला गया है कि हमें क्या करना है इनके रिक्त स्थानों क्या करनी है पूर्ति करनी है, कौन सी संख्या क्या भाग देने से क्या आएगा अपने को यही पता लगाना है। चलिए देखते हैं जो तीसरे का ए है, 369 में किसका भाग दो कि वापस 369 आ जाए, तो हमको पता है एक का भाग दे दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे इस पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा एक, मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। इसी प्रकार दूसरा है -75 में किसका भाग दो कि केवल माइनस का एक ही बचे, सबसे पहले तो देखो माइनस का निशान ऐसे किसे आ गया तो इसको तो छेड़ो मत माइनस के निशान को, तो 75 में किसका भाग दो कि एक बार जाए और 75 भी आ जाए, तो 75 में यदि मैं 75 का ही भाग दे दूँ किसका तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, एक आ गया माइनस का निशान ऐसे कैसे। उसी प्रकार दो माइनस के 206 है उसमें मैं किसका भाग दूँ कि एक आ जाए, तो उसकी तरह मत करना यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के 206 का ही भाग देंगे, इसमें किसका भाग देंगे माइनस के 206 का ही, क्योंकि वहाँ तो क्या आ रहा था माइनस का एक आ रहा था इसलिए सेम संख्या ले दी, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस का एक आ रहा है, तो हम देखो इसमें इसका भाग देंगे ना तो माइनस ही माइनस कटेगा, और 206 में 206 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। देखो ये है 87, इसमें मैं मुझे किसका भाग देना है कि 87 बच जाए और माइनस भी नहीं आए, तो देखो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये तो पता है कि भाग क्या जा रहा है एक का जा रहा है। अब देखो ये माइनस ही आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है ना, तो ये किस माइनस किसका आएगा माइनस का एक, अब इसमें माइनस का एक का भाग दूंगा तो माइनस से माइनस कटेगा और एक का भाग 87 में देंगे तो 87 आएगा। अब देखो यहाँ पर किसका आ रहा है माइनस का 87, तो माइनस का मैं 87 लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या लिख दूँ माइनस का 87, हमको पता है किसी भी संख्या में हम लोग एक का भाग दे देते हैं उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो माइनस के 87 में एक का भाग देंगे तो माइनस के 87 आएंगे। ये देखो 48 आ रहा है और माइनस का क्या रहा है एक, तो माइनस का 48
में यदि मैं 48 का भाग दूँ तो 48 में 48 एक बार गया और माइनस का निशान ऐसे कैसे। इसी प्रकार 20 में किसका भाग दूँगे, माइनस का दो बचे। देखो 20 में पहली बार तो दो बार में 20 को देखो 10 दुआ 20 होता है, 10 एक कम 10, 10 दुआ 20 यानी 10 का भाग देना है। दो बार गया लेकिन कितनी बार जाना चाहिए, माइनस का दो बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10। तो हमारा माइनस ऐसे कैसे, और 20 में 10 का भाग दिया तो दो आ गया। इसी प्रकार ऐसी संख्या ढूंढो यानी जिसमें 4 का भाग दे तो आंसर 3 आए। तो 4 तीन कितना होता है, 4 इन 4, 4 दो 8, 4 3 12, 12 तो आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, इसका आ गया माइनस 12। ये वही मतलब जो पहला क्वेश्चन था अपना बिल्कुल वैसा ही है, वैसे मेरे रिक्त स्थान बन लेते। यहाँ पे केवल आपका परीक्षण हो रहा है कि आपको माइनस प्लस की जानकारी है या नहीं। हमें पता है पूर्णांक संख्या में माइनस भी आएंगे प्लस भी आएंगे। तो बस हमारा प्रश्न नंबर 4 है, उसमें क्या दे रखा है कि एक पूर्णांक का एक ऐसा युग्म यानी ए बी ऐसी युग्म बताने हैं, कितनी, 5 युग्म, जिसमें देखो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 3। यदि एक युग्म में दूसरे युग्म का भाग दे तो आंसर क्या है, माइनस का 3 आना चाहिए। और उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 6 में यदि माइनस दो का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 ही आएगा। ये तो एग्जांपल दे रखा है, हमें क्या लिखने हैं, 5 एग्जांपल लिखने हैं। तो बिल्कुल आसान है, कोई भी अपनी इच्छा से, ज़रूरी नहीं वो आंसर अपने किताब से मैच खाए, अपनी इच्छा से बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माइनस का 3 आना चाहिए ना। देखो मैं यदि 3 में किसका भाग दूँ, माइनस का 1 का, तो क्या आएंगे, माइनस का 3 आएगा, अपने को पता है। तो एक युग्म तो क्या हो गया, 3 और माइनस का 1, एक युग्म तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस 3 आना चाहिए आंसर, तो देखो 6 2 का तो दे दिया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 यानी 5 15, देखो 15 में भाग दे रहा हूँ मैं 5 का, या माइनस 15 में दे लो, आंसर क्या आएगा, माइनस का 3। देखो दूसरा युग्म क्या हो गया, माइनस का 15 और 5। अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दो, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आना चाहिए, एक दूसरे में मतलब इसमें मैं इसका भाग दूँ तो क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। हमें पता आंसर आ रहा है, तो पहला युग्म हो गया, दूसरा युग्म हो गया, और तीसरा मैं लिख रहा हूँ 12। 12 में मैं माइनस 4 का भाग दूँ, ऊपर माइनस 12 भी लिख सकते हो, माइनस 4 भी लिख सकते हो, इसमें आएगा माइनस का 3। तो आप लोग लिख सकते हो इस युग्म को 12 माइनस का 4। ऐसे ही युग्म आप उल्टा भी बना सकते हो, कैसे, जैसे मैं चौथा बना रहा हूँ माइनस का 12 में किसका भाग दूँ प्लस का 4 का, तो भी क्या आएंगे, माइनस का 3 ही आएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो माइनस 12 और 4, ये सोचेंगे आप ये बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। या देखो ये 12, ये माइनस 12, ये माइनस 4 और ये 4। तो इसी प्रकार पाँचवा इसका उल्टा बना दो, या अपनी इच्छा से कोई भी बना सकते हो। जैसे मैं बना रहा हूँ 21 बना रहा हूँ, माइनस के 21 में किसका भाग दूँ मैं 7 का, क्या आएगा, माइनस का 3। तो इसी प्रकार माइनस का 21 और 7, ये अपने हो गए 5। आपकी इतनी इच्छा हो उतने युग्म बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बताया आपको, इसी प्रकार आप लोग मैंने बनाया है ना, उससे अलग युग्म बनाना कोशिश करना, आप लोग ज़रूर बना सकेंगे इसको। तो चलती है प्रश्न नंबर 5 पे। नंबर 5 है, उसमें क्या बोल रहा है कि दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर। देखो ऊपर नीचे का पहले प्रकरण बता दूँ, ऊपर का मतलब क्या है, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मतलब ऊपर क्या है, प्लस के निशान, और माइनस क्या है, मतलब नीचे आएगा, तो ये माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना। यदि 0 से नीचे बोल रहा है तो क्या आएगा, माइनस का निशान, और 0 से ऊपर आएगा तो प्लस का निशान। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, एक लाइन बना दो ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, और 0 के बाद में मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 हो गया। इधर मैं 10 तक लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 10 क्या बनाई है मैंने, लाइनें बनाई है। तो मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दो प्रश्न पूछ रहे हैं, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। तो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे मैं लिख देता 1 2 3 4 5, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हर जगह गिनती लिखने की जरूरत नहीं, मैं पॉइंट बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, यह आएगा प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो दोपहर 12 बजे तापमान क्या था, 0 से 10 डिग्री ऊपर यानी उधर था। अब देखो 12 बजे प्रति घंटे कितना घंटा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे घट रहा है। तो यहाँ 12 बज रहे थे, यहाँ पे 12 बजे थे दोपहर के, दोपहर के 12 बज रहे थे, प्रति घंटे प्रति 2 घंटे यानी
प्रति दो घंटे क्या हो रहा है, प्रति यानी दो डिग्री सेंटीग्रेड एक घंटे में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दो डिग्री सेंटीग्रेड एक घंटे में कम हो रहा है, तो दो कम कर दो इसमें, ये दो कम हो गया, इस दो कम हो गया, तो मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा गोल लाइन बना देता हूँ, माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड, कितने बजे, एक बजे। इसके बाद फिर से दो कम कर रहा हूँ मैं, माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड, ये बज गए दो बज गए। फिर दो कर रहा हूँ, माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीन बज गए। यहाँ से फिर दो, यानी क्या हो रहा है, मतलब दो डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है हर एक घंटे में। देखो अब फिर दो डिग्री सेंटीग्रेड घट गया चार बजे, और फिर दो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये पाँच बजे, पाँच बज गए। दो डिग्री सेंटीग्रेड कम लिखते जाओ इसमें, माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कहाँ पे आ गए, जीरो पे आ गए, कितने बजे, पाँच बजे। उसके बाद देखो जीरो से माइनस का दो डिग्री सेंटीग्रेड फिर कम हो जाएगा, और कितने बजे, छः बजे। या इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, कितने बजे, सात बजे। यहाँ पे आ रहा हूँ आठ बजे, अपने को पहुँचना कितने बजे हैं, माइनस के आठ डिग्री सेंटीग्रेड, तो नौ बजे। अब देखो नौ बज गए कितने, रात के, दोपहर से चले रात के नौ बज गए, और हर एक घंटे में कितना डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, माइनस दो डिग्री सेंटीग्रेड, दो डिग्री सेंटीग्रेड और दो डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस का हर एक घंटे में दो डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। तो हम लोग दो दो पॉइंट घटाते आ गए, क्या पे माइनस का आठ डिग्री सेंटीग्रेड, कितने बज गए, नौ। तो अपना पहला तापमान क्या है, किस समय तापमान शून्य से आठ डिग्री नीचे हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, नौ बजे। इसका आंसर आएगा नौ बजे, यानी इसका आंसर यानी आठ डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा शून्य से, कब होगा, नौ बजे, आपको याद रखना है। अब आगे पूछ रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी जब रात आधी हो जाएगी यानी बारह बज जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा लंबा और बना लो, तो ये माइनस का दस डिग्री सेंटीग्रेड, मैं छोटा बना रहा हूँ थोड़ा, माइनस का ग्यारह डिग्री सेंटीग्रेड, फिर छोटा, माइनस का बारह डिग्री सेंटीग्रेड, और माइनस का तेरह डिग्री सेंटीग्रेड। आधी रात भी जाना है अपने को, तो पहला पॉइंट, पहला आंसर तो अपना अटक गया यहाँ पे, इसका आंसर आ रहा है नौ, ये अपना आंसर है। माइनस आठ डिग्री सेंटीग्रेड कितने बजे होगा, नौ बजे। अब देखो इसमें से दो डिग्री सेंटीग्रेड कम, कितने बजे, नौ, ये दस बज गए, अब दस बजे, ये बज गए ग्यारह, और ये बज गए बारह। अब देखो यहाँ पे देखो आठ के बाद ये नौ दस, तो ये ग्यारह, ये बारह आएगा यहाँ पे, और ये तेरह, ये चौदह आएगा, ये पंद्रह, ये सोलह आएगा। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो दो बटा रहे हैं ना सेंटीग्रेड, तो देखो ऐसे गिनना स्टार्ट कर, जीरो से एक दो तीन चार, ये पाँच पे, छः सात आठ, ये आठ सही है, फिर नौ दस, ये ग्यारह बारह तेरह, ये चौदह, फिर पंद्रह और सोलह। तो ऐसे हम लोग बारह बजे, ये कितने हो गए, रात के बारह बजे कितना तापमान होगा, रात 12 बजे अपने को पूछ रहा है कितना लिखोगे यहाँ पे, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो रात 12 बजे तापमान क्या होगा, माइनस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा रात के 12 बजे। अपना आंसर आ गया, एक तो 9 बजे और एक 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे टेबल बना लीजिएगा, इसको उतारना तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उत्तरी है उसके अंदर सही उत्तर देने पर प्लस के तीन अंक देते हैं, और गलत उत्तर देने पर माइनस के दो काटे जाते हैं। तो देखो पहला क्या है, राधिका है, उसने 20 अंक मिले हैं। राधिका को कितने अंक मिले हैं, 20 अंक मिले हैं। 12 उत्तर उसने सही किए हैं, इसने 12 उत्तर सही किए, तो पूछ रहा है कि गलत कितने किए हैं। और मोहिनी को माइनस के 5 अंक मिले हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि 7 उत्तर तो सही किए हैं उसने, तो गलत कितने हुए हैं उसके। तो सबसे पहले तो राधिका के निकालते हैं जो एक नंबर पर हैं, क्या नाम उसका, राधिका। अब देखो राधिका के नंबर कितने थे, राधिका के नंबर थे 20, यानी उसको 20 अंक तो मिले हैं। देखो 12 उत्तर सही है, 12 उत्तर क्या है, सही है। तो 12 देखो सही उत्तर का कितना अंक मिलता है, तीन अंक मिलता है, ये प्रश्न में दिया गया है। जो सही उत्तर देगा उसको तीन मिलेंगे, और गलत दोगे तो माइनस का दो काटे जाएंगे। तो सही उत्तर का तीन अंक देंगे, तो उसके कितने नंबर आ गए, 36 अंक। राधिका के 36 अंक तो किसके हो गए, जो सही उत्तर है उसके 36 अंक तो उसके हो गए, लेकिन राधिका को मिले कितने अंक, 20 अंक। तो देखो इसका मतलब बाकी के क्या हो गए, कट गए, क्योंकि राधिका ने जवाब क्या दिया था, गलत। तो देखो शेष अंक निकालता हूँ, शेष गलत कुल अंक किस में निकालेंगे, 36 में से मैं निकाल रहा हूँ 20 को, तो कितना बचेंगे यहाँ पे, 16।
16 अंक आगे। अब देखो 16 में कितने पर्सन गलत है, एक गलत पर्सन के लिए क्या काटे जाते हैं माइनस के, दो। तो 16 में कितने कटेंगे, एक गलत पर माइनस का दो, तो 16 नंबर कटने पर, 16 अंक कटने पर प्रश्न कितने पर्सन गलत किए उसने, 16 में किसका भाग देंगे माइनस के दो का, या आएंगे माइनस का आठ, यानी उसने 8 पर्सन क्या किए हैं गलत। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्सन की संख्या कभी प्लस में मतलब प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती, क्योंकि हम लोग बोल ही नहीं सकते कि तुमने माइनस में एक पर्सन हल किया है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 8 पर्सन गलत किए, ये हम लोग लिख सकते हैं। किसने किए हैं, राधिका ने, कितने पर्सन, 8 पर्सन गलत किए। इसके बाद जो दो नंबर पे अपने को दे रखे कौन, मोहिनी, मोहिनी। अब देखो इसके अंक कितने आए, माइनस के 5 अंक आए, यानी संख्या किसकी आएगी माइनस, 7 उत्तर सही है, यानी 7 उत्तर क्या है सही है। तो देखो 7 उत्तर सही है तो एक सही उत्तर का 3 अंक मिलता है, तो 7 उत्तर सही है यानी इसको एक से 3 मिला तो 7 का मिल गया इसको 21 अंक, उसकी टोटल कितने अंक हो गए 21। लेकिन उसने प्राप्त कितने किया, माइनस का 5। देखो 21 में और माइनस 5 में देखो अंतर हम लोगों ने कैसे निकाला था, जो अपने पास आया था उसमें से क्या घटाए थे, उस वाले को घटाए थे। तो देखो मैं घटा रहा हूँ 21 में से, तो शेष गलत उत्तरों के अंक, शेष गलत उत्तरों के अंक कितने आएंगे, 21 में से क्या घटाना है, माइनस का 5 घटाना है अपने को 21 में से। तो 21 में से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 कितना हो गया 26 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है कि कितने पर्सन गलत किए, ये निकालने के लिए हम लोग किसका भाग देंगे माइनस का 2 का, तो गलत पर्सन बराबर किसका, 26 में भाग देंगे माइनस का 2 का, तो कितने आएंगे माइनस के 13, यानी उसने कितने पर्सन गलत किए हैं, उसने 13 पर्सन गलत किए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 13 पर्सन गलत किए। देखो ये अपना हो गया पर्सन नंबर 6, तो राधिका ने तो 8 पर्सन गलत किए हैं और मोहिनी ने कितने पर्सन गलत किए हैं, 13 पर्सन गलत किए हैं। तो चलते हैं हमारे अगले पर्सन पर, जो पर्सन नंबर 7 है, तो उसमें क्या दे रखा है, एक उत्पल है, यानी कोई भी मतलब सामग्री है, या उत्पल पंख समझ लो, जो क्या है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 6 मीटर क्या है ना, यानी 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे गिर रहा है। तो भूमि क्या हुआ कि वो भूमि है उसके मतलब जो कितने ऊपर से शुरू हो रहा है वो गिरना, जैसे मान लो यहाँ पे खान है, ये क्या है खान है जो क्या बहुत गहरी है, तो मैं खान के स्थल को ये मान लूँ, ये देखो यहाँ पे खान है बिल्कुल गहरी है, देखो यहाँ पे जो भूमि का तल है उससे कितना मीटर, 10 मीटर ऊपर, ये 10 मीटर है भूमि के तल से 10 मीटर, यानी ये तो ज़मीन है और ये नीचे क्या है खान है। तो यहाँ से कोई सामान गिर रहा है, यहाँ से जैसे ये गिर रहा है सामान नीचे गिरेगा खान के अंदर, तो ये कितने स्पीड से गिर रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में केवल 6 मीटर नीचे गिर रहा है। तो 10 मीटर ऊपर से ये गिरना क्या होता है, शुरू होता है नीचे जाना, नीचे जाना कब शुरू होता है, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से। तो माइनस का 350, यानी भूमि के तल से ऊपर, तो हम देखो ये भूमि का तल है, तो ऊपर तो किस में जाएंगे हम लोग, प्लस में, और नीचे किस में जाएंगे माइनस में, यानी ये माइनस का 350 मीटर नीचे कब पहुँचेगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग कुल निकालते हैं, कुल दूरी कितनी अपने को, देखो ऊपर तो यहाँ तक तो कितनी हो गई है अपने पास, यहाँ तक केवल यहाँ तक ही देखनी है 10 मीटर है, और इस खान में मैं देख रहा हूँ यहाँ तक कितनी 350 मीटर, ये माइनस में, यानी नीचे कितना होगा 350 मीटर। तो ये जो उत्पल है नाम दे रखा है, ये सामग्री यहाँ से गिरेगी और यहाँ तक कब पहुँचेगी, यहाँ तक कब पहुँचेगी। तो इसकी दूरी निकालने के लिए देखो यहाँ से लेके और इस लाइन तक तो कितना हो गया माइनस का 350, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 340। कैसे हम लोग इनकी दूरी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ऊपर प्लस में नीचे प्लस में, तो इसको क्या करेंगे दूरी को, इस दूरी को लेके इस दूरी को घटाएंगे आपस में, तो क्या इसकी टोटल दूरी आ जाएगी, तो 350 और 10 कितने हो गए 360 मीटर, टोटल कितनी होगी 360 मीटर। कैसे 350 प्लस 10,
पहले क्या निकालते हैं हम लोग, दूरी निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद में देख लेंगे ये यहाँ तक 350, इससे ऊपर 10 मीटर, तो टोटल कितनी होगी 360 मीटर कुल दूरी होगी। अब देखो एक मिनट में 6 गिरता है, ये देखो एक मिनट में 6 मीटर, एक मिनट में कितना गिरता है 6 मीटर गिरता है। तो देखो 360 मीटर तक पहुँचने में, 360 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा इसको, 360 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है, तो 6×36=60 मिनट। एक मिनट में 6 मीटर पहुंचता है, 360 मीटर पहुंचने में कितना लगेगा 60 मिनट, और हमको पता है 60 मिनट में टोटल एक घंटा पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक घंटा। ये अपना क्या आ गया उत्तर, 60 मिनट भी लिख सकते हो एक घंटा भी, तो हम उत्तर क्या होगा सही होगा। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो हमारी जो कक्षा 7 में प्रश्नावली चल रही थी एक, तो आज हो गई कंप्लीट, 1.4 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और प्रश्नावली 2 मैंने पहले कंप्लीट करा चुका हूँ, तो प्रश्नावली 1 और 2 तो क्या हो गई कंप्लीट। अब हम आगे की प्रश्नावली शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा आगे कौन सी प्रश्नावली शुरू होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।